हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, आपके महिला मित्रों से क्या सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों से सहयोग रहेगा या असहयोग रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका हेल्थ और वेल्थ कैसा रहेगा, विदेश यात्रा का क्या योग बन रहा है, संतान सुख की स्थिति क्या रहेगी, भूमि भवन खरीदेंगे या व्यवसाय से लाभ मिलेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। आपको कहाँ सावधानी बरतनी है, अपना आय और व्यय पर कैसे अपने को कंट्रोल करें, यह बहुत जरूरी है। और संतान सुख की स्थिति क्या रहेगी, रोग और शत्रु की स्थिति क्या रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, खर्चे की कैसे, सारी बातें बताऊंगा। भाग्य आपके अनुकूल है प्रतिकूल, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है और शुभ अंक आपके लिए क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा, सारी बातें बताऊंगा। और किसकी पूजा करें जो आपके लिए ठीक रहेगा, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शेयर से ट्रेडिंग से आपको लाभ मिलेगा, नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आज आपको सरकारी नौकरी मिलते हुए दिख रही है। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा। यदि आप मीडिया के क्षेत्र में हैं या लेखक हैं या लेखन कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। यदि आपने विदेश जाने की प्लान कर रखा है तो विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। माली हालत अच्छी होगी, माता पिता के द्वारा कुछ अच्छे सहयोग से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे। जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, जो प्लान करेंगे वह प्लान आपका सफलीभूत होते हुए दिख रहा है। महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का समय चल रहा है। अगर कोई भी नए तरह का व्यापार, नए तरह का कार्य, नए तरह की कंपनी या नए तरह का ट्रेडिंग से अगर कोई नया कार्य करने का आपने योजना बना रखा है तो आपकी योजनाएं सफलीभूत होंगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, यदि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, लेखन कार्य करना चाहते हैं, कला के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यह दिन आज आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग बन रहा है। तो देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, माता का सुख मिलेगा, पिता के सहयोग से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यदि आप माइंस में, पेट्रोलियम में, कंस्ट्रक्शन में अगर इसमें पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए आज का दिन काफी फायदेमंद रहेगा। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है और माली हालत आपकी काफी अच्छी रहेगी। तो देखा जाए तो कालखंड आपके लिए काफी बेहतरीन है। मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे। आज आपको सावधानी में आज आपको क्या करना है कि उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करना, तो कार्य आपका बिगड़ सकता है। और आज आपको उपाय क्या करना है, आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, उनको पंचमेवा का खीर अर्पित करें या गाय को हरा चारा जरूर खिलावें और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना न भूलें। आज आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हरा। हरे कृष्ण।